नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार चेटू जेट। जनपद शिवपुरी से इस वक्त की खबर, जहां पर फल सब्जी ठेले वालों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मामला ठेले वालों की जगह विस्थापित करने का है। जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों पूर्व यातायात के द्वारा शहर के हालात और भीड़ भाड़ को देखते हुए ठेले वालों को तात्या टोपे ग्राउंड के पास से हटाकर एसपी कोटी के पास जगह दे दी गई थी। 10-12 दिन यहां पर ठेले वालों ने ठेले लगाए। इसके बाद ठीक से बिक्री न होने पर ठेले वालों ने आज फिर से उसी जगह पर ठेले लगाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी लगते ही यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और ठेले वालों को हटाने को बोला। इससे नाराज होकर ठेले वाले वहां से नहीं हटने की जिद करने लगे और अपने ठेले का सामान फल सब्जी वगैरह वहीं पर उलट पुलट कर दिया और चक्का जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस बल और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, ठेले वालों को अपनी पुरानी जगह पर ठेले लगाने का आश्वासन दिया। समाचार रेडियो जेट के लिए शिवपुरी से साविर खान की रिपोर्ट। क्या आप से लेके एमएम चौराहे तक सभी लोग फूड वाले हैं, चाट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ठेला लगाते हैं, तो इन्हीं के अंदर आया जो बना दिया वहाँ एस कोटी के पास। वहाँ क्या इनके ठेला चल नहीं पाते, ना कोई खरीदने जाता है, और क्योंकि रोड रोड में ठेला लगे, लोग मार्केट से वहाँ से सब्जी ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, तो इनकी जो कच्चा मटेरियल बच जाता है, चल नहीं रहा। तो 5-6 दिन से जो लोग काफ़ी परेशान हैं, इनका माल बच रहा है, इनकी स्थिति ऐसी हो गई, भूखन मरने वाली स्थिति हो गई, बच्चे पल नहीं पा रहे, तो इनका इनने यहाँ पुरानी जगह पर अपनी जगह ठेला लगाना चालू कर दिया। कोई पुलिस वाला ट्रैफिक वाला आया हुआ तो पद्मी गली क्योंकि ग्राम में अभी आया, जब देखा तो माल माल नीचे डला था। ट्रैफिक वाले का नाम वगैरह कुछ ट्रैफिक वाले का नाम पता नहीं, इनको पता नहीं है जो भी ट्रैफिक वाला। ये सामान किसे भेजा, किसे भेजा? ये जब मैं यहाँ आया ना पड़ा तो बता रहे टैम वाले आए थे, हमारा पिट्टी करिए इसके साथ बताया, यहाँ ये फिर ट्रैफिक वाले बता रहे थे, पता नहीं फेरा नाम उसको पता नहीं। कुल मिला के जो कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से अपना ठेला चला के अपने परिवार पाल रहा, बच्चों को पढ़ा रहा, बच्चों को अपना घर चला रहा, और इनको हटाया जाएगा तो कल अपराध करेंगे, और इनका काम धंधा ही चलेगा, अपराध बढ़ेगा, छिपने पर अपराध चलेंगे। ये अभी का मामला है या आए दिन का मामला है? ये आए दिन का मामला है, मैं देखा कल पेपर में भी आया, कल के पेपर में पढ़ा है कि इन लोगों ने मंगलवार को आवेदन भी दिया है सभी लोगों ने कि हमारा जो स्थान है पुराने स्थान पर हमें ठेला लगाया जाए, पर क्या जब भी आते कोई ट्रैफिक वाले कोई भी आता फुटबॉल की तरह इनको यहाँ से वहाँ करते रहते हैं। जो ठेला जहाँ लगाया था वहीं लगाया रहेगा, कोई पुलिस वाला परेशान करने नहीं आएगा ना कोई हटाएगा। जब इसके बाद वो चार जोन बन जाएंगे, एक पॉली अपना एक बॉली बाईपास पे, एक अपने गुना बाईपास पे, एक अपना सिद्धेश्वर पे और एक पॉली बस स्टैंड पे, चार जोन जब बनेगा जब रिश्ते जब देखा जाए। अभी तो जो ठेला जाल आए थे वहाँ आएंगे, कोई परेशान करने नहीं आए। सर आज जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ठेलों द्वारा ठेले जो लगे हुए थे उनके द्वारा अग्निशन चौराहे पर ठेले लगाए गए थे, जबकि प्रशासन द्वारा पहले से स्पष्ट कर दिया गया था कि ठेले जहाँ उनका हाकर जोन बनाया गया है वहाँ लगेंगे। इस संबंध में कलेक्टर साहब और नगर पालिका प्रशासन का पूरा नियंत्रण आता, पूरा उनका बुरा था कि ठेले में किसी प्रकार की कोई नगर के अगर सौंदर्यीकरण को देखना है तो अपन को कुछ चीज़ों पर व्यवस्था जमानी पड़ेगी, और इसमें पूरे प्रशासन और पुलिस द्वारा व्यवस्था जमाई गई थी। ये सर जैसा कि देखा गया है कि उनने ये बताया कि ट्रैफिक जो बुलेट से जो घूमते हैं उनने हमारा ठेला पलटाया गया है, इसके बारे में आपके कहना? ये कहना बिल्कुल गलत है, कई दुकानदारों से हम लोगों ने तस्दीक की है, बातचीत की है, इसमें कहीं नहीं पाया गया। अगर किसी प्रकार के कोई मोबाइल वगैरह में कोई अगर वो किसी ने वीडियो बनाया है तो वो इस पर बताए, बाकी अन्य दुकानों द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा खुद ठेला पलटाया गया, फिर भी अगर कोई इस प्रकार की बात आती तो हम इसकी जाँच करेंगे। सर